आगर जिले में कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़ों को आम जन से छुपाने व भ्रमित का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके एवज में भादबिक धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर विधायक विपिन वानखेड़े, जिला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने पुलिस अधीक्षक राकेश सगर को ज्ञापन सौंपा। आगर विधायक विपिन वानखेड़े, जिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव द्वारा SP कार्यालय में पुलिस अधीक्षक राकेश सगर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई कि शासन में बैठे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनके मंत्रियों द्वारा जिले में कोविड-19 से हुई लोगों की मृत्यु के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, साथ ही आमजन को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। आगर जिले में 350 से अधिक लोगों की मौत कोरोना संक्रमित के चलते हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में 68 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो वहीं भोपाल से जारी हेल्थ बुलेटिन में 32 लोगों की मौत के आंकड़ों को बताया जा रहा है। शासन और प्रशासन के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिले में 350 से अधिक लोगों को दाह संस्कार आगर के शमशान घाट में किया गया है, वहीं 14 लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भादबिक धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, यह हमारी मांग है। आने वाले समय में कांग्रेस कोविड-19 से हुई मौतों की प्रमाण सहित सूची मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसकी सूची तैयार कर जिला कलेक्टर को भी सौंपी जाएगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनका रजिस्ट्रेशन कोरोना प्रोटोकॉल तहत होना चाहिए। आने वाले समय में सरकार मुआवजा देने से बच रही है, जबकि यह मुआवजा सभी लोगों को मिलना चाहिए। बिंद किरण के लिए आगर मालवा से रहमान कुरैशी की रिपोर्ट। आगर जिले का स्वास्थ्य विभाग 68 मृत्यु का आंकड़ा बता रहा है कि 68 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। प्रदेश की सरकार कुछ 32 लोगों के आसपास की मृत्यु की संख्या बता रहा है कि इतने लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि वास्तविकता ये है कि हजारों लोगों की मृत्यु कोरोना से आगर जिले में हुई है, जिसका हम आने वाले समय में मैं प्रमाण सूची के साथ हम सूची मीडिया को सौंपेंगे, सरकार को सौंपेंगे, आगर जिले के कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे कि इन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। पिछले 2 महीने में जिन जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है उनकी सूची कांग्रेस पार्टी बना रही है और सूची हम लोग कलेक्टर को सौंपेंगे, और उन सभी लोगों का हमारी मांग है जितने लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में सरकार जो मुआवजा देने से बच रही है वो मुआवजा सभी जो लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उन सभी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधायक महोदय की उपस्थिति में आज SP महोदय को हमने एक आवेदन दिया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो लगातार 1 से 2 महीने के भीतर हमारे प्रदेश में कोरोना कारण जो आमजन की मृत्यु हो रही है, और जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, उनकी सरकार के द्वारा आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इनके द्वारा कोविड जैसी महामारी को लड़ने के बजाय इन्होंने व्यापार का धंधा बनाया। इनके मंत्रियों के या घर से रेडमिशन इंजेक्शन बेचते हुए इनके कर्मचारी अधिकारी पाए गए, साथ ही मंत्रियों के रिश्तेदार, उनके प्रतिनिधि कोविड जैसी महामारी के बेड बेचते हुए पाए गए। इसलिए हमने आज यहाँ पर FIR दर्ज, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तथ्यात्मक तौर पर आंकड़े सहित हमने दिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान, उनकी सरकार ने यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में आगर जिले में जिस तरीके से कोरोना की मृत्यु के, कोरोना के पेशेंट के आंकड़े को जो छुपाया गया, उसके सप्रमाण हमारे पास मौजूद है और जांच में हम पूरा सहयोग करेंगे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।